महंगाई के मोर्चे पर मोदी सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। आज यानी मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर महीने में थोक महंगाई दर करीब 2.59% तक बढ़ गई है। वहीं नवंबर में ये 0.58% तक थी। बता दें कि साल 2018 दिसंबर में थोक महंगाई दर का आंकड़ा 3.46% पर था। जारी हुए आंकड़े के अनुसार खाद्य पदार्थों की थोक महंगाई बीते साल दिसंबर में करीब 11.05% रही, जबकि नवंबर में ये 9.02% पर थी। इसी तरफ ईंधन और बिजली की थोक महंगाई 7.32% की तुलना में दिसंबर में करीब 1.46% रही। इसी के चलते थोक महंगाई में कमी देखी गई है। थोक महंगाई के ये आंकड़े ऐसे समय में आए हैं जब खुदरा महंगाई 5 साल के उच्चतम स्तर पर है। सोमवार को जारी हुए आंकड़ों के अनुसार दिसंबर में खुदरा महंगाई बढ़कर करीब 7.35% के आंकड़े पर पहुंच गई है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।